ये प्रॉब्लम देखिए बेटा, एक इसमें आपने क्या किया है कि एक रिजिड रॉड से आपने एक पार्टिकल को हैंग कर दिया है। एल लेंथ की रेडियस है उसकी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है, और ये पार्टिकल घूम रहा है हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल। एसटीवी का प्रॉब्लम है, फेमस प्रॉब्लम है। अभी आपने जो घुमाया था इसी एक्सिस के अबाउट घुमाया था, यहीं पर आपने इसको रोक दिया था स्ट्रिंग को, तो जो रेडियस आ रही थी पार्टिकल की इतनी सी निकल के आ रही थी। ठीक है, अब ये रॉड आपकी कैसी है, हॉरिजेंटल रॉड है, और यहाँ से आपने इस कॉर्नर पर एक पार्टिकल को हैंग कर दिया, और इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंज है ये हॉरिजेंटल रॉड, पार्टिकल यहाँ से हैंग है, थीटा फिक्स है, एल लेंथ है दोनों की, रॉड की भी और स्ट्रिंग की भी। तो जब ये रॉड घूम रही है इस तरीके से, तो पार्टिकल, वेरी गुड महक, एग्जैक्ट बेटा, पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, इतने बड़े हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा है। काफी बच्चों ने बहुत ही ढंग से पूरी समझदारी दिखाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो मैं वही करूंगा बेटा। और कुछ आता नहीं है एफ इक्वल्स टू एम ए के अलावा, बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लगता है कि या तो संसार में इतनी फिजिक्स है एफ इक्वल्स टू एम ए की, ठीक है ना, तो अपन वो सब सीख गए, तो ऑलमोस्ट सब सीख गए। अमन ठीक होगा आपका भी बेटा, बिल्कुल ठीक होगा, गलती क्यों करेंगे आप, बट फिर भी आप कह रहे हैं तो एक बार मैं नोटिस कर लेता हूँ। आपका आपका सबसे पहले ही दे दिया था क्या आपने? अरे बहुत ऊपर चला गया आप। हाँ ठीक है बेटा, एकदम सही है बिल्कुल। तो आप, हाँ अरे ठीक होगा, आप देखो बेटा अभी एक बार, अब मैच कराओ, देखो अपने आप मैच कराओ, गलतियों से बताना। ठीक है, ये आपका टी है, ये टी इधर से टी कॉस थीटा हो जाएगा, और एम जी आपका वर्टिकल, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये सिचुएशन है आपके पास। और आपको पता है कि सर्कल में घूम रहा है और सर्कल भी क्लियर है, तो वर्टिकल में तो जा नहीं रहा बेटा, तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंसिंग रहेगी इसकी। ठीक है ना, वर्टिकल में तो इक्वेशन क्या रहेगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी रहेगा, और हॉरिजेंटल में इसमें रेडियस ध्यान से रखनी है, एल साइन थीटा कर देते हैं, 2L sin θ कर देते हैं, तो ये गलती ना करें बेटा। रेडियस देखो यहाँ से यहाँ तक, ये तो लेंथ एल है, साफ दिख रही है ना बेटा, ये वाली कितनी होगी, एल साइन थीटा होगी, तो ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एल प्लस एल साइन थीटा होगी। ठीक है, तो ये टी साइन थीटा आपका आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एल साइन थीटा आ जाएगा। ये दो इक्वेशन आएगी, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी एंड टूवर्ड द नेट फोर्स टी साइन थीटा। आपको पता है सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन को वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपका एम ओमेगा स्क्वायर एल वन प्लस साइन थीटा। टी कॉस थीटा टी साइन थीटा दोनों है, आपको ओमेगा निकालना है, तो क्या करें, डिवाइड कर दें इनको आप बस। ठीक है, ये इक्वेशन वन है आपकी, इक्वेशन टू है, तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को गहराई से समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आएगा तब रोटेशन और गहराई से समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना, ये समझ में नहीं आया तो फिर वो कैसे आएगा, क्योंकि उसमें सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, यहाँ पर एक ही पार्टिकल है। ठीक है, तो आपका ओमेगा कितना आ गया आपका यहाँ पर, √g tan θ, √g tan θ अपॉन L1 plus sin θ आपका ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा इक्वल टू √g tan θ अपॉन L1 plus sin θ, ये आपका आंसर हो जाएगा ओमेगा का। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा किसी भी तरह की, इस तरह के सर्कुलर मोशन में, तो वो मुझे जरूर बताए।